बालासोर के अस्पताल में दर्जनों रेल यात्री भर्ती हैं। कई मुसाफिरों को गंभीर चोटें आई हैं, मुसाफिरों की आंखें पथराई हुई हैं। बेइंतहा दर्द झेल रहे मुसाफिरों में से कई के अपने अपने दुख है, दर्द है, उनके अपने बिछड़ चुके हैं। अब इन लोगों के अपने परिजनों की अदद खबर का इंतजार है। बालासोर के अस्पताल से देखिए आज तक की ये स्पेशल रिपोर्ट। बहुत जोर से धक्का मारा है। फिर उसका बाद वो आदमी हमारा जो बोगी था, 3 नंबर में बोगी था, जनरल बोगी था, वो पलटी हो गया, 4 पलटी हो गया। हमारा बोगी 8 फीट ऊंचा उड़ गया था। एकाएक आवाज हुआ, आवाज होने के बाद चक्का कैसे बुझा के कोई खींच रहा। ये वो लोग हैं जो बेफिक्र होकर शुक्रवार की शाम अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। शाम गहरा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि एक बड़ी आपदा घात लगाकर उनका इंतजार कर रही है। बालासोर हादसे में घायलों में कई को बालासोर के ही जिला अस्पताल में लाया गया है। बदन पर गहरे घाव हैं, हाथ पैरों से लेकर बदन के हर हिस्से पर चोटों के गहरे निशान हैं। इस वक्त अस्पताल में मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो ट्रेन हादसे में घायल हुए थे उनको भर्ती कराया गया है। परमिशन लेकर हम यहाँ पर आए हैं। कुछ घायल ऐसे जो बात करने की स्थिति में हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ पासवान जी हैं। आपको बताते चले कि ये बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। आपके परिवार के लोग भी थे साथ में, अभी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है? परिवार से बात हुआ रात में, बचवा से बात नहीं हुआ। बच्चे से बात? कितने लोग कुल लोग सफर कर रहे थे? हम 3 आदमी आ रहे थे उधर से बेंगलुरु। जान बच जाने का सुकून है, लेकिन इनमें से कई के परिजनों का अब तक पता नहीं चल सका है जो उनके साथ साथ हादसे वाले दिन सफर कर रहे थे। तो घर चला गया। अच्छा। एक निकोच है वो मिला नहीं अभी भी। अच्छा, एक कोई नहीं मिला है। क्या नाम था उनका? गोपाल हेमराम। कितनी उम्र थी? वो उसका 19-17। इस शख्स के 2 भाई मिल गए, लेकिन एक का अब तक पता नहीं है। आंखें अपने भाई को तलाशती नजर आ रही है। बहुत जोर से धक्का मारा है। फिर उसका बाद वो आदमी हमारा जो बोगी था, 3 नंबर में बोगी था, जनरल बोगी था, वो पलटी हो गया, 4 पलटी हो गया। मैं उस टाइम तो सही था, लेकिन मेरे को ज्यादा नहीं लगा, थोड़ा लगा है। आपकी भी बोगी पलटी हो गई? हाँ। बाहर कैसे निकले आप? बाहर पूरा आदमी एक साथ निकल गया। हाँ। तो मैं सोचा इधर इसका साथ निकलेगा तो मैं उसको तकलीफ होगा। हाँ। कोई ऊपर से जाएगा तो नीचे जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं तो ऊपर वो बैग रखता है ना। हाँ। वो पकड़ के उधर ही थोड़ा आराम की रेस्ट किया था। फिर वो लोग निकल गया, मैं बाद में आराम से निकला। बंगाल के ही गोपाल बर्मन जनरल डिब्बे में सवार थे। उनका डिब्बा 4 बार पलट गया। गोपाल बाकी लोगों के निकलने का इंतजार किया और फिर बाहर निकले। सुनिए दिल दहलाने वाले उस हादसे की पल पल की कहानी। शाम को 7 बजे ट्रेन 120-30 के स्पीड में था, तो ट्रेन पटरी पर से उतरा तो हम सबको आया महसूस। उतना देर में हम लोग सब नहीं संभल पाए, उतना जो देर में टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद हम सबको घायल हुआ, बहुत मृत्यु भी हो गया। क्या नाम है आपका? बट्टन मंडल। बट्टन जी, ये बताइए आपकी भी बोगी पलटी खाई थी या आप लोगों की बोगी ठीक? नहीं, हमारा बोगी 8 फीट ऊंचा उड़ गया था। 8 फीट ऊंचा उड़ गया? उड़ का, हाँ, फिर नीचे उतरा तब हम सब निकल के भागे उससे। बिहार के पूर्णिया का ये शख्स बट्टन मंडल कोलकाता से चेन्नई जा रहा था। ट्रेनों की टक्कर हुई तो उनकी बोगी 8 फुट उछली। बट्टन किसी तरह बाहर निकले, उनका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। बेइंतहा दर्द की ऐसी तमाम कहानियां हैं और इनके साथ हैं फरिश्ते जैसे इंसानों की मौजूदगी।
ये डॉक्टर तमिलनाडु से हैं। हादसे के बारे में सुनते ही टिकट कटाए और सीधे बालासोरा गए। अब ये मरीजों के इलाज में मदद कर रहे हैं। सलाम है ऐसे लोगों के हौसले की जो इतने भीषण हादसे के बाद हिम्मत रखकर ट्रेन से बाहर निकले और दूसरे लोगों के भी मददगार बने। बालासोर से चित्रा त्रिपाठी, आज तक। कोरोमंडल एक्सप्रेस में जब मुसाफिर मौत से जंग लड़ रहे थे उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई और दोनों ट्रेनों के हताहत लोगों में काफी तादाद में लोग बिहार के थे। रोजी रोटी की तलाश में ये लोग चेन्नई जैसे शहरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन बालासोर में हुए हादसे ने उनको कभी ना भर पाने वाला जख्म दे दिया। बालासोर हादसे में घायल लोगों के दर्द की ऐसी दास्तानें हैं कि कलेजा मुंह को आता है। बालासोर से लेकर चेन्नई तक और भुवनेश्वर से कटक तक बेहाल लोग अपनों की खबर के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। ये 21 साल का मिथुन है जो अपने बड़े भाई के शव की तलाश में है। मरने से कुछ मिनट पहले ही भाई ललित ने मिथुन से बात की थी। जिंदा था, हमसे कुछ देर पहले, लगभग 4 घंटा पहले बात हुआ था। उसके बाद मतलब क्या इंजर्ड हो गया था? हाँ, 4 घंटा के बाद मतलब जो है ना कॉल इधर से किया कि मतलब जो है ना आपका भाई का डेथ हो चुका है, मतलब मोबाइल मेरे पास है, हम जाएंगे, आप आइए यहाँ पर, मोबाइल वोबाइल प्लस में अपना भाई का मतलब जो है ना बॉडी, मेरा भाई को मतलब छोटा भाई है ना उसको निकाल के, मेरा भाई दूसरा लड़का को निकालने के लिए गया, तो उसके बाद बोला कि मतलब फिर से टक्कर हुआ ना ट्रेन, तो उसी में मतलब वो भी। हम आपको वो तस्वीरें बताते हैं जब ललित मौत से जूझ रहा था। आपको एहसास होगा कि कैसे लोग मौत से जूझ रहे थे। ललित और उसके साथ एक शख्स पूरी जी जान लगाकर मौत को मात देते दिखे। ललित को जिंदा रेस्क्यू भी कर लिया गया था, मिलिए उस शख्स से जिसने ललित को जिंदा निकाल लिया था, लेकिन बाद में ललित ने दम तोड़ दिया। जब तक ललित ही जिंदा था वो मेरे को मोबाइल दिया था, भाई रुको मेरा मोबाइल रुको, मैं रखा ठीक है। वो उनको मैं वादा किया था पहुंचाऊंगी, वो उनके भाई के साथ बात किया था, पूर्णिया के मजदूर विजेंद्र ऋषदेव बहानगा की अस्थायी मुर्दा घर के बाहर खड़े हैं। चेहरे पर बेचैनी साफ पढ़ी जा सकती है। उनको अपने बेटे सूरज की तलाश है जो पहली बार चेन्नई जा रही ट्रेन में सवार था। अपने गरीब माता पिता की मदद के लिए सूरज काम की तलाश में चेन्नई जा रहा था, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। एक्सपोर्ट में वो बुगी नंबर है, एक्सपोर्ट है 38 नंबर सीट नंबर है। इसके बाद वो 3-4 पलटी मारा, 3-4 पलटी मारने के बाद हम लोग बेहोश हो गया। फिर कैसे कैसे करके वो ऊपर से निकले, मतलब 4-5 मैंने 2 इंजन 2 डब्बा बचा हुआ, बाकी पूरा के पूरा खत्म है। मैं सामने में कम से कम 30-40 आदमी मर चुका था। बालासोर से घायल और बचे मुसाफिरों को लेकर एक ट्रेन चेन्नई आई तो उसमें आने वाले लोगों ने भी उस तकलीफ का जिक्र किया और बताया कि कैसे मौत से जंग लड़ी। इस शख्स का मोबाइल चोरी हो गया, जेब में पैसे नहीं थे, अब तक खौफ दिख रहा है।